पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट और बीबीसी 24x7 में। हम खड़े हैं प्रिया छेत्री को जहां सम्मानित किया जा रहा है। प्रिया छेत्री वह नाम है जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिसने नेशनल 2023 मैराथन में 35,000 बच्चों को पछाड़ करके 9th पोजीशन में आई है। जिस प्रिया छेत्री के पास कभी जूते नहीं हुआ करते थे अभ्यास के दरमियान में प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन फिर भी वो खाली पैर रोज सुबह में निवास स्थान फाफड़ी में अभ्यास किया करती थी, जंगलों के उन रास्तों में और सड़कों पे। वो अंग्रेजी की कहावत यहाँ याद आ जाती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उनकी विपरीत परिस्थिति ने उन्हें नहीं रोका और आज प्रिया छेत्री के नाम से उनके पिता प्रकाश छेत्री को जाना जाता है। ये तमाम गोरखाओं के लिए ही नहीं अपितु पूरे भारत के लिए गर्व है, जो अपने बेटियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन तमाम लोगों के लिए यह एक करारा तमाचा। तो आइए इसी से जुड़ा हुआ वीडियो को और प्रिया छेत्री से एक छोटी उनकी एक मुलाकात को देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। यह वीडियो को देख करके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समस्त उन लोगों को एक प्रेरणा मिले कि कैसे विपरीत परिस्थिति में हम आगे बढ़ के अपना परचम का लोहा मनवा सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, आप सबका दिन शुभ हो, धन्यवाद। और सर ने देख के मेरे को दिल्ली में वो रजिस्ट्रेशन कर दिया। वो जो सर का नाम है रवि सर है, वो दिल्ली का आंध्र प्रदेश का है। उसने सर ने मेरे को अच्छा वो देख के फ़ोटो देख के एक्टिविटी देख के सर ने मेरे को रजिस्ट्रेशन कर दिया था। और दिल्ली में बहुत अच्छा हुआ, मेरा 9th रैंक आया था ऑल ओवर इंडिया में, तो सर ने मुझे प्रेरणा दिया, इसलिए सर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जितना भी मेरे को सपोर्ट किया है, जैसे राज फाफड़ी वॉरियर्स है, जैसे खुलाचंद फाफड़ी प्राइमरी स्कूल, सालगोड़ा हाई स्कूल, जैसे हम लोग का गांव खुलाचंद फाफड़ी डाबग्राम वन में है, उसने हम मेरे को बहुत सपोर्ट किया, जिससे अभी बहुत संस्था में बहुत वो कर रहा है, अभी मुझे सम्मान कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, ऐसे करके मेरे को सपोर्ट करते रहिए। और फिर 22 में मैं जा रही हूँ बेंगलोर, आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, और ऐसे हेल्प करते रहे। 26 में मेरा गेम है, तो 22 में मैं जाऊँगी, तो ऐसे मेरे को हेल्प करते रहे, मेरे को अच्छा लगता है। तो प्रिया बहन, आप क्या वीडियो भी डालती थी फेसबुक में? जी, मैं वीडियो भी डालती थी। तो आपको ये फिर उसके बारे में जब आप दिल्ली गए उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, कैसे क्या हुआ, कोई दिक्कत हुआ, कैसे किए आप, क्या क्या किए? सर ने मेरे को खाली सर मैं आऊँगी, सर ने खाली रजिस्ट्रेशन कर दिया मेरा, तो सर ने बोला कि तुम आओ, कुछ नहीं होगा, सर ने बोला। और फिर मेरे को खाली बोल रहा था, तो सर ने पापा को फ़ोन करके पापा को भी बुला लिया, और पापा और मैं साथ में गया, तो वो सर ने बहुत वो किया, अच्छा किया। तो सर भी इधर ही था, सिलगुड़ी में था, सर का उधर दोस्त लोग ने रिसीव किया, तो बहुत अच्छा लगा, तो लास्ट में मिला आके, तो ऐसे हुआ। अच्छा प्रिया बहन, मैं एक दुख का विषय मुझे जानने को मिला कि उस समय में आपके पास जूता का भी व्यवस्था नहीं हो रहा था, क्या हुआ था उसके बारे में, आप कैसे कर रहे थे जब जूता नहीं था तब? मेरा जूता नहीं था पहले, क्योंकि फर्स्ट में मैं नॉर्थ बंगाल रनर्स खेला था, गेम खेला था, ऑर्गेनाइज हुआ था 10 किलोमीटर का। तो उस टाइम क्या हुआ था कि एक लड़का मेरे साथ में दौड़ रहा था और अचानक से गिर के वो स्पॉट डेड हो गया था उधर ही। तो उसको मैंने CPR दिया, मेरे रेस छोड़ के उसको मैंने CPR दिया, तो सर ने मेरे को देख के अच्छा करके, तो मेरा पास उस टाइम किया बोल के सर को अच्छा लगा, तो सर ने मेरे को जूता गिफ्ट दिया था। तो वही जूता लेके मैं अच्छा प्रैक्टिस कर रही हूँ, अकेला प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो प्रिया, जो वो लड़का गिर के स्पॉट डेथ हो गया उस खेल के दरमियान में, तो वो लड़का को आप जानती थी पहले से? नहीं, कभी भी नहीं देखा था उसको। आपके अंदर ये उसको मदद करने का भावना आया और आपने CPR के बारे में सोचा? जी, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसा करूँगी बोल के, लेकिन सभी दौड़ रहा था लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं किया था उसको, तो मैं था और मेरा पापा भी था उस टाइम जब मेरे साथ में था, तो मैं और पापा होके सब किया उसको, तो सर ने मेरे को वही अच्छा वो किया है स्पोर्ट्समैन हो के बोल के, तो सर ने मेरे को जूता गिफ्ट किया था, वही सबसे बड़ा प्रेरणा मेरा। तो प्रिया बहन, आप आगे समाज को देश को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देश को यही बोलना चाहती हूँ कि अभी सबको जिससे मेरे को वो कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तो बाद में कोई जहाँ पर एक गेम होता है जो एक डांसर होता है जो सॉन्ग गाता है, गाना गाता है, तो सभी को सम्मान करे, जैसे खाली मेरे को नहीं, सभी को सम्मान करे, वही बोलना चाहती हूँ। और कभी भी सेल्फिश मत होइए सभी, और ये बोलना चाहती हूँ। प्रिया कामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, समस्त समाज और न्यूज चैनल आपके साथ है। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे बीच हैं प्रिया के पापा अभिभावक, जो प्रिया छेत्री के पापा हैं, तो उनसे एक बार समझते हैं कि क्या है कैसे है। आपका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मैं पंकज, मेरे कैमरामैन मेरे सहयोगी हैं। तो आपको कैसा लग रहा है आज प्रिया का पापा होने पे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम तो एकदम बहुत अच्छा, कोई लड़की को पापा को जो लड़की लोग जैसा लड़का लोग जो अच्छा करेगा उसका लिए तो कोई भी पिताजी को जो हर्ष जो होता है वो तो बोलने का लायक ही नहीं होता है। प्लस इस समाज ने, इस संस्था ने हम लोग को जो देश का लिए अथवा इस राज्य के लिए जिन हम लोग को एक प्रेरणा दिया, अभी हम लोग एक छोटा सा गांव खुलासन फापरी बोल के नहीं, इस देश का नेतृत्व करने के लिए इन लोग हम लोग को एक प्रोत्साहन जो दे रहा है, इसके लिए हम लोग भी इन समाज को जो हम लोग को जो समाज में हम लोग को जो दे रहा है उन लोग को लिए हम लोग हम लोग को दे के उन लोग घटेगा नहीं, समाज को हम लोग जैसे उन लोग को भी हम लोग सम्मान करेंगे, उन लोग को नाम बिना हम लोग भी आगे नहीं पढ़ेंगे। थोपा थोपा जल से नदी बनता है, इसीलिए हम लोग भी सब मिल के इस देश को, इस गांव को उज्जवल बनाने के लिए, मेरा लड़की जो दौड़ रहा है, मेरा लड़की बोल के नहीं, समस्त इस समाज का लड़की लोग को भी आगे ले जाना है। और लड़की लोग या लड़का लोग अभी नशा का, ड्रग्स, विभिन्न चीज़ से मुक्त होके समाज निर्माण के लिए आगे बढ़े, रनिंग करे, फुटबॉल करे, ये सब के लिए आगे आए, यही बोल के हम आप लोग को माध्यम से सबको जागरूक होने का हम संदेश भी देते हैं। प्लस जो समाज के लिए अच्छा काम करे इसके लिए जनगणन भी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग सबको धन्यवाद देते हैं। अच्छा, मैं अपने चैनल के सौजन्य से आपको एक बात बता दूं, आज जो बहन और बेटी जो मेरे समक्ष है, प्रिया छेत्री, इन्हें बहुत मदद की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये बहुत लंबा चलने वाला है। हम इनको आगे भारत के एक शिखर, अगर बुलंदियों पे अगर पहुंचाना चाहते हैं, तो पूरे समस्त जनगण से नर्म निवेदन है कि इनको जहां से हो मदद किया जाए। और मैं उस नंबर को आप लोग फॉलो करें और वहाँ से जो आपका यथाशक्ति तथा भक्ति कीजिए और उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये समाज की बेटी है, जैसे कि प्रकाश जी ने कहा, ये हमारी बहन है, ये सबकी बेटी है, तो इनको मदद की आवश्यकता है, मदद कीजिए और चीज़ों को। तो प्रकाश जी, आप अपना नंबर, गूगल पे नंबर बता दीजिए या अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, ताकि जो भी लोग ये न्यूज़ को देखेंगे वहाँ से आपको अनुदान भेज सकें। मेरा गूगल पे नंबर 8145740070 ये नंबर है। तो प्रकाश जी, एक बात और मुझे बताइए, जहाँ पे समाज में लोग बेटियों को बंधिश में रखते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे? ना, अभी मैं भी बोल रहा है, इसका लिए कोई नहीं है, लड़की लड़का बोल के कोई कुछ नहीं है, ये समाज का लिए जुनून होना चाहिए, सब पिताजी लोग को, लड़की लड़का सबको समाज में आगे बढ़ने के लिए संदेश देने चाहते। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आज प्रिया के नाम से आपका नाम जोड़ा जा रहा है कि अरे ये देखो प्रिया के पापा जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना? ना, ये तो अब कोई लड़की को जो सुनाम आता है उसके लिए तो कोई पिताजी को जो हर्ष होता है वो तो कोई गन्ने का और जो जो बात बोलने का कोई जगह ही नहीं है, इतना हर्षित हूँ। यहाँ से लेके संपूर्ण समाज ने हम लोग को जो दे रहा है उन लोग को लिए मेरा, उन गार्जियन लोग के लिए भी, उन लोग का बच्चा लोग भी, उन लोग का लड़की लोग भी, लड़का लोग भी ऐसा ही बने, सबको मिलके काम करने से अच्छा रहेगा, ये बोल के देते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।